इस वीडियो को देखने के पीछे का कारण ये है कि आप एक्सपेक्ट करके आए कि आपको कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, कोई ऐसा प्लान मिल जाएगा जिससे आप सच में बहुत बेहतरीन कर सकते हो। जब शुरू साथ में किया था तो उसको खत्म भी साथ में करेंगे और वैसे करेंगे कि जो तुम्हें हमेशा ध्यान रहे। आपकी पोजीशन क्या है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसी प्लान पे बात करने वाले हैं कि जिससे सबके लिए सब कुछ निकल के आ गया। तुम बस कागज पर लिख कर ले आओ हर एक समस्या को और मैं तुम्हें बता दूं कि कैसे उस समस्या का एरोप्लेन बना के उड़ाना है। टुगेदर वी कैन, ये एक स्टेटमेंट नहीं, जो मैं इसको बोलता हूं उसमें विश्वास रखो। यस टुगेदर वी कैन एंड वी विल। मतलब आप एग्जाम दे के आओगे आप बोलोगे यस सर वी डिड इट। आखिरकार अब हमारी बारी आई। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। 15 मार्च को आप लोग सोशल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं। आज 4 मार्च है, हो सकता है इस वीडियो को कोई बाद में देख रहा हो। जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दो चीजें बड़ी क्लियर है। वो दो चीजें क्या है कि पहला आपका ये इंटेंट है, एस्पिरेशन है कि आपको सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा करना है, और दूसरा इस वीडियो को देखने के पीछे का कारण यह है कि आप ये एक्सपेक्ट करके आए कि आपको कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, कोई ऐसा प्लान मिल जाएगा जिससे आप सच में बहुत बेहतरीन कर सकते हो। दोनों ही समस्याओं का समाधान है, शर्त यह है कि पूरी बात आखिरी तक सुनना, अच्छे से समझना कहानी क्या है, उसके बाद में हम टुगेदर वी कैन वी विल को सच करके दिखाएंगे। जब शुरू साथ में किया था तो इसको खत्म भी साथ में करेंगे और वैसे करेंगे कि जो तुम्हें हमेशा ध्यान रहे। कहानी क्या है, कहानी देखो यह है कि अब जितने भी दिन का गैप है उसमें बीच में आपको संस्कृत भी है, बीच में आईटी भी है। जिन बच्चों का नहीं है वो खुश हो रहे होंगे, लेकिन बाद में आपका हिंदी है और मैथ्स है, उनमें गैप कम है। ये बड़ा गैप है तो इसमें आपको दूसरे सब्जेक्ट भी मैनेज करना है, तो मतलब जितनी भी चिंताएं हैं। अब इट हार्डली मैटर्स कि इस वीडियो को कौन देख रहा है, हो सकता है कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया हो सकता हो कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसने कुछ नहीं प्रिपेयर किया हो। तो आपकी पोजीशन क्या है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन हम यहां पर एक ऐसी प्लान पे बात करने वाले हैं कि जिससे सबके लिए सब कुछ निकल के आ जाए, जिसमें हर इंसान अपने अपने लेवल के हिसाब से चीजें अकोमोडेट कर ले। उस चीज को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। आपको पॉइंट ये है कि आपको हर चीज को समझना है बहुत अच्छे से। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहली बात कि कोई वीडियो, कोई सेशन, कोई टीचर कोई काम नहीं करेगा आपके लिए, कुछ काम नहीं करेगा जब तक आप खुद अपने लिए काम नहीं करोगे। तो आप जितने भी सेशन देख लो, मैं जितना भी आपको स्ट्रैटेजी बता दूं, हम जितने भी लाइव रिकॉर्डेड और तरह तरह के वीडियोस और सेशन देखेंगे करेंगे, लेकिन वो कुछ काम नहीं आएगा। पॉइंट ये रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना कि आपको खुद काम करना शुरू करना पड़ेगा। जैसा बताते जा रहा हूं वैसा करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो इस वीडियो को यहां बंद कर दो, बढ़िया जाके कुछ दूसरा प्रोडक्टिव काम करो। क्यों? क्योंकि अगर आप करने को तैयार नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। शर्त यह है कि मैं जहां तक लेके चलूंगा वहां तक चलना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, बनते कोशिश आपको एक कदम ज्यादा चलना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज को। अगली चीज ये कि फोकस ऑन कंसोलिडेशन रेदर देन एक्सपेंशन। अभी जो इतने दिन बचे ना, इसमें आपको पूरा एसएसटी प्रिपेयर करना है, दूसरे सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है, टाइम भी मैनेज करना है, प्रैक्टिस भी करना है, रिविजन भी करना है, सब करना है, किसी किसी को सिलेबस कंप्लीट करना है, सब कुछ होगा। शर्त क्या है कि आप लयबद्ध तरीके से चलो, एक्सपैंड मत करना बहुत ज्यादा, मतलब कि नया मत पढ़ना बहुत ज्यादा। जितना पढ़ा है चार एनसीईआरटी को घोट के पी जाओ, दैट इज मोर देन सफिशियंट। तो अप्रोच हमारी वही रहने वाली कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करेंगे, जितना है उसको कंसोलिडेट करके चलेंगे, और वही अल्टीमेटली आपको सक्सेस दिलाने वाला है। क्योंकि ये हजार बार आपने सुना होगा, एक बार और बोलूंगा कि एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। तो आप नया पढ़ोगे वो भी किसी काम का नहीं रहेगा, और जो पुराना पढ़ा था वो भी भूल जाओगे। तो इसके लिए जितना है उसको कंसोलिडेट करके चलना, ये आपके पूरे इस प्रिपरेशन प्लान का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है। स्टडी विथ कंसिस्टेंसी प्लान एंड एग्जीक्यूशन। और ये देखो दो तरह के माइंडसेट भी रहेंगे यहाँ पे, कि एक तो ये कि बहुत ज्यादा गैप है तो शुरुआत के 4-5 दिन है, होली है तो इसमें निकाल देंगे हम, ठीक है, और फिर लास्ट में जब 1-2 दिन बचेंगे तो समेटते नहीं बनेगा, इतना रायता फैला दोगे, 21 चैप्टर है। तो जो आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है, किसी को ऐसा भी दिख रहा होगा, जो दो माइंडसेट की बात करो ना कि 21 चैप्टर है सर, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, बीच में संस्कृत भी आईटी भी है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हाथी को कैसे खाया जाए। अब मतलब कि बहुत बड़ा काम कोई होगा तो उस बहुत बड़े काम को ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा देख के ही फेल हो जाओगे कि कैसे करें कैसे नहीं करें। पॉइंट बड़ा सिंपल है कि टुकड़े करना शुरू करो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उस स्ट्रैटेजी पे काम करना है। और काम ऐसा नहीं है कि एग्जाम के 2 दिन पहले फिर 24 घंटे पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना होगा कि रोज एक सिस्टमैटिक तरीके से, आप मुझे 3-4 घंटे भी दे रहे हो ना, दैट इज मोर देन सफिशियंट, मैं सब कुछ करवा के दिखाऊंगा आपको, कैसे होगा वो बताता हूं मैं आपको। तो पॉइंट ये कि कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, पूरे दिन जो
चार तारीख से लगा के 15 तारीख तक का गैप है आपको, उस दिन हर दिन पढ़ना पड़ेगा। और जो टाइम टेबल बनाया है तो वो बहुत लिबरली बनाओ कि आज सिर्फ इतना ही करूंगा, लेकिन जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर होगी, उसको ऐसे करेंगे कि उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए बस, ठीक है। तो प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टुगेदर वी कैन। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, जब मैं इसे बोलता हूं तो उसमें विश्वास रखो। यस टुगेदर वी कैन एंड वी विल, वी विल। और जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आप बोलोगे यस सर वी डिड इट। तो पॉइंट ये है कि साथ मिलकर करेंगे बढ़िया, जैसे मैंने बताया आपको कि शुरू साथ में किया, खत्म साथ में करेंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना। अब प्लान होने क्या वाला है, देखो दो प्लान होंगे, एक तो मतलब दो एस्पेक्ट है, एक आपको प्रिपेयर करना है पूरा वो सारा सब कुछ, तो एज यू पीपल नो क्या कि जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है वो कैसे होगा, और दूसरी चीज क्या है, जितनी समस्याएं आपके आएगी तो उनका समाधान क्या है। तो प्रिपरेशन वाला पार्ट तो पूरा सोशल स्कूल वाला जो चैनल है हमारा, तो उस पे मैं आपको अभी सेशन देने वाला हूं। तो उस सेशन में हम क्या करेंगे, 5 बजे उस सेशन में पूरा, ठीक है। जो बच्चे बाद में वीडियो देख रहे हैं तो इस सेशन को देखना, तो इसमें पूरा टाइम टेबल है कि किस दिन कौन सा सेशन क्या करना है क्या नहीं, वो सारा सब कुछ डिस्कस हो गया। और उसके हिसाब से सारे सेशंस की लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको वहां मिलता रहेगा। तो पढ़ाई वाला पूरा पार्ट सोशल स्कूल पे करेंगे हम। अगली पार्ट जो है वो है प्रॉब्लम्स। अब आपकी समस्याएं बहुत सारी, तो जितनी भी समस्याएं आएंगी ना, उन सारी समस्याओं को तुम बस कागज पर लिख कर ले आओ हर एक समस्या को, और मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे उस समस्या का एरोप्लेन बना के उड़ाना है। तो वो जितनी भी समस्याएं सबका समाधान मिलेगा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजिंग, क्या कि ऑनलाइन में एक जो प्रॉब्लम जाती है कि वो कनेक्ट ऐसा नहीं बन पाता कि ऑफलाइन में वहीं के वहीं पूछ लिया, छोटा सा डाउट है पूछ लिया, अब वो मैं पढ़ाऊंगा तो उतने डाउट का सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो एक स्पेसिफिक सीरीज पूरे एग्जाम में चलने वाली है, जहां पे यू विल फील कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कैसे, मतलब लिटरली आई एम देयर फॉर यू, लेकिन वहां पे ऐसा एकदम वो करेक्ट फील होगा। तो समस्या से समाधान ये सीरीज है। इसमें क्या करना होगा, समस्या समाधान में मैं आपको इसी चैनल पर डेली एक कम्युनिटी पोस्ट दूंगा। जैसे आज जो कम्युनिटी पोस्ट जाएगी 4 तारीख को, तो वो 5 तारीख के दिन के वीडियो की कम्युनिटी पोस्ट रहेगी। उस कम्युनिटी पोस्ट के नीचे आपको कमेंट करना होगा। मतलब अब देखो बहुत सारे वीडियो जाएंगे, इधर भी सेशन चल रहे, उधर भी सेशन चल रहे, तो दुनिया भर में कमेंट करते मत फिरना। जो आपकी जेन्युइन समस्या है उसका समाधान कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूं आपको। आप वो कमेंट कर दो उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में, और वो कमेंट सेक्शन में से जो टॉप कमेंट्स रहेंगे तो 8-10 कमेंट मैं निकाल लूंगा, ठीक है, आज पूरे। और कल मॉर्निंग से आपको वो हर एक कमेंट पे छोटा फटाक से एक शॉर्ट्स मिल जाएगा आपको। तो वो समस्या से समाधान में आपको ऐसे शॉर्ट्स मिलते चले जाएंगे। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का इमीडिएट सोल्यूशन आपको दिन भर शॉर्ट्स के माध्यम से। तो आपका भी बहुत ज्यादा समय नहीं गया कि एक प्रॉब्लम पूछने के लिए पूरे लाइव सेशन में आप टाइप कर रहे हो इतनी देर से, और वो मिस भी हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो हम ये समस्या से समाधान सीरीज चलाएंगे एक, ठीक है, जिसमें मैं आपको शॉर्ट देता रहूंगा। बाकी उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे भी मिलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग चैनल पर, और पूरी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इन सारी चीजों से अलग हटके क्या है, अर्जुन का लक्ष्य है मछली की आंख, तो वो टारगेट आपने देख लिया 15 तारीख। मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बता दी कि किन चीजों को ध्यान में रख के काम करना है। अब बस शुरू हो जाओ। मैंने बताया कि कुछ काम नहीं करेगा जब तक तुम काम नहीं करोगे, तो तुम काम करना शुरू कर दो। जैसा प्लान डिस्कस किया है उस प्लान के हिसाब से जो जो सेशन आने वाले उनका रिमाइंडर सेट करो और लग जाओ काम पे। और इन सारी चीजों के अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात कि एक सरप्राइज भी आने वाला है। 15 मार्च को आप एग्जाम देके आओगे, उसके बाद में एक सरप्राइज, समथिंग बिग, समथिंग फॉर ऑल, वो रिवील करूंगा मैं 15 तारीख को। तब तक पढ़ते रहो, अभी एग्जाम पे ध्यान लगाओ। अभी के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच। Thank you.